नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आजमगढ़ नवरात्र व विजयदशमी को लेकर शहर में जगह जगह मूर्तियां पांडालों की स्थापना की गई है। पिछले दिनों भदोही और कानपुर में हुए हादसों से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है और इसको लेकर लगातार मूर्ति कमेटी व रामलीला समिति को सचेत किया जा रहा है। इसी क्रम में नवमी के अवसर पर मंगलवार को दिन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने फोर्स के साथ आजमगढ़ शहर के तमाम इलाकों में पहुंचकर स्थापित मूर्ति पांडालों की जांच की और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को आगाह किया। वहीं सड़क में बढ़ने वाली भीड़ को लेकर भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया गया और जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई। वाहनों की पार्किंग कहां होनी है, वाहन किधर से होकर जाएंगे, यह सब रूट निर्धारित किया गया। महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ती है, इसीलिए पैदल शहर की घनी आबादी में पैदल आने जाने के लिए निर्धारित किया गया। वाहनों को पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान पर निर्धारित भी किया गया। क्या कुछ कहा है एसपी सिटी शैलेन्द्र लाल ने, सुनी। मूर्ति पंडालों में चेक किया गया, ट्रैफिक में चेक किया, क्या रहा आपका? त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया जो कि महिला और बच्चों को बाजार में जाने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो हमारे पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था, आग से बचने के लिए उनको भी चेक किया गया। सभी जगह पानी की पर्याप्त व्यवस्था करी गई है, सैंड रखा गया है, बालू रखी गई है और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। ट्रैफिक में सर क्या? ट्रैफिक में सारी व्यवस्थित किया गया है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि महिलाओं को और बच्चों को आवागमन में बाजार में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा आधा दर्जन पुलिस वालों के भी चालान काटे गए हैं जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं।